बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पारस हसनैन और मैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चूनिया कैंपस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एडीपी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उसी सीरीज़ का हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस की दो टाइप्स हमने पढ़ी, कीबोर्ड्स की और पॉइंटिंग डिवाइसेस की। उसके बाद आज हम जो टाइप पढ़ेंगे इनपुट टाइप की, इनपुट डिवाइस की, वो है हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। आपने देखा होगा हम लोग कॉमनली मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन देनी हो तो हम जस्ट अपनी फिंगर्स के साथ या किसी स्टाइलस या कोई पेन को यूज़ करते हुए या कोई स्टिक को यूज़ करते हुए जस्ट स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो इनपुट सिस्टम को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, यूज़ करती हैं। ठीक है, टच ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्क्रीन टू गिव द इनपुट बाय फिंगर्स और स्टाइलस। हम स्क्रीन के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स के थ्रू या स्टाइलस के थ्रू टच करके इनपुट देते हैं। मल्टी टच स्क्रीन। मल्टी टच स्क्रीन का क्या मतलब होता है कि हम एक या एक से ज़्यादा फिंगर्स को यूज़ करते हुए उसके ऊपर इनपुट दे रहे हैं। कैसे? देखिए, हम कोई भी पिक है मोबाइल फ़ोन के अंदर देख रहे होते हैं तो दोनों फिंगर्स को यूज़ करते हुए उसको जूम कर रहे हैं या जूम आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, मल्टी टच स्क्रीन। ठीक है, सेम है, ये यूज़ हो रही है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर और एटीएम मशीन्स के अंदर। ज़्यादातर टच स्क्रीन्स अब हर जगह आ रही है, हमारी गाड़ियों के अंदर जो मीडिया प्लेयर्स हैं उनके अंदर टच स्क्रीन्स आ रहे हैं। क्यों टच स्क्रीन पॉपुलर हो रहे हैं? इट बिकम्स पॉपुलर ड्यू टू ईजी इंट्रैक्शन ऑफ यूजर्स टू कंप्यूटर्स। क्योंकि हमारी जो यूज़र्स हैं उनकी इंट्रैक्शन जो सिस्टम्स के साथ वो ईजी हो जाती है। बजाय कोई दूसरी डिवाइस, कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस जो यूज़ करने के बजाय, हम जस्ट सीधा एक स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं और हमारे काम हो जाते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि लोगों को इसमें सीखने में टाइम नहीं लगा। इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन कौन सी? एक है रेजिस्टिव, सेकंड है कैपेसिटिव। रेजिस्टिव कौन सी है? इट कैन सेंस प्रेशर टू टेक द इनपुट। हमारी ऐसी टच स्क्रीन जो इनपुट लेने के लिए प्रेशर को सेंस करती है, वो हमारी रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है। यूज्ड बाय फिंगर्स एंड ऑर्डरली स्टाइलस, यानी कि ये हमारी ऐसी टच स्क्रीन है जो हम फिंगर्स के थ्रू और ऑर्डरली, जो आम से हमारे स्टाइलस पेन हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम इसको इनपुट दे सकते हैं। इवन के जबकि हमने ग्लव्स पहने हो तो उसको उसके साथ भी हम टच करें स्क्रीन के ऊपर तो इनपुट चली जाती है। जबकि दूसरी जो हमारी स्मार्टफोन की डिवाइसेज हैं, हमने ग्लव्स पहने हो तो वो टच नहीं होते। यूजेज इन लोअर एंड स्मार्टफोन्स। ये जो लोअर एंड के स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर हमारी ये रेजिस्टिव टाइप की टच स्क्रीन यूज़ होती है। कैपेसिटिव, सेकेंड टाइप है टच स्क्रीन की, क्या है? इट कैन सेंस द कंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या सेंस कर रही है? कंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय फिंगर्स एंड स्पेशल टाइप स्टाइलस। हम लोग इस स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर्स के थ्रू या स्पेशल टाइप का स्टाइलस, इसमें क्या था, ऑर्डरली कोई भी आम से स्टाइलस मिल जाते हैं उनको यूज़ करते हुए हम इनपुट दे रहे हैं। जबकि कैपेसिटिव टाइप की जो टच स्क्रीन है उसके अंदर हम स्पेशल टाइप के स्टाइलस को यूज़ करते हुए इनपुट देते हैं। इसके अंदर अगर हमने ग्लव्स पहने हो तो हमारी स्क्रीन टच नहीं होती। ये मोर रिस्पॉन्सिव है टू ह्यूमन टच, और ये बजाय स्टाइलस से या किसी और दूसरी पॉइंटिंग टच स्क्रीन की डिवाइस से हमारी जो ह्यूमन की फिंगर है उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स करती हैं, और ये हायर एंड स्मार्टफोन में यूज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, के बाद हमने फोर्थ टाइप जो पढ़नी है वो है पेन इनपुट की, यानी कि ऐसी डिवाइसेज पेन टाइप, पेन लाइक जो नज़र आती हैं उन डिवाइसेज को हम पेन इनपुट डिवाइसेज कहते हैं। ये ज़्यादातर जो हमारे मोबाइल यूज़र्स हैं, स्टार्ट में जब मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुए थे तो आपको मे भी पता हो कि उसके साथ एक छोटी सी स्टिक मिलती थी पेन टाइप या पेंसिल टाइप, ठीक है, जिसके थ्रू हम इनपुट देते थे, वो होती थी हमारी पेन इनपुट। राइट और ड्रा द इनपुट ऑन फ्लैट सरफेस। ये पेन इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं या इवन के ड्रॉ भी कर सकते हैं हमारी इनपुट जो है उनको किसके ऊपर, एक फ्लैट सरफेस होती है जिसके ऊपर हम अपनी इनपुट को राइट करते हैं या ड्रॉ करते हैं और वो एज ए इनपुट हमारे सिस्टम में चली जाती है। लुक लाइक पेन, और ये पेन की तरह ज़्यादातर नज़र आती है। यूजली यूज विथ टच स्क्रीन, और ज़्यादातर ये टच स्क्रीन जो है उनके साथ यूज होते हैं। इसकी आगे टाइप्स हैं कौन सी, एक स्टाइलस, डिजिटल पेन और ग्राफिक टैबलेट। स्टाइलस क्या है? स्टाइलस हमारी एक पेन लाइक डिवाइस है जो करती क्या है, कैप्चर हैंड राइटिंग,
जो हमारी हाथ से लिखी हुई चीज़ है ना उसको भी कैप्चर कर लेती है। मतलब क्या होता है कि हम या तो टच स्क्रीन के ऊपर अपने हाथ के साथ, जैसे पेंसिल के साथ या पेन के साथ लिखते हैं, अपनी टच स्क्रीन को यूज़ करते हुए, यानी ऐसी टच स्क्रीन, ऐसी डिवाइसेस जो इसको सपोर्ट करती हैं स्टाइलस को, उसके ऊपर अपने स्टाइलस पेन के साथ लिखते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है कि इसमें डिजिटल फॉर्मेट में और इसको एज ए इनपुट यूज़ कराता है। अटैच अ पैड विद सिस्टम एंड स्टाइलस राइट ऑन इट, और एक या उसके अलावा हो गया था कि हम अपने सिस्टम के साथ एक स्पेसिफिक पैड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पैड, उनको अटैच करते हैं जिसके ऊपर हम अपना इनपुट देते हैं स्टाइलस के थ्रू, और वो इनपुट एज ए डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली यूज इन टच स्क्रीन, ज़्यादातर ये टच स्क्रीन में यूज़ होता है, और लुक लाइक पेन, पेन की तरह नज़र आता है। सेम है हमारा डिजिटल पेन है, कैप्चर हैंड राइटिंग एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, ये क्या कर रहा है, स्टाइलस की तरह ही काम कर रहा है लेकिन उससे ज़रा बेहतर होता है। यूजेस ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर, होता क्या है कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो ट्रांसलेट कर रहा होता है हैंड राइटिंग को किसके अंदर, डिजिटल फॉर्मेट्स को, मोस्टली सिंबल्स की ट्रांसलेशन कर रहा होता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, क्योंकि हमारा सिस्टम तो बाइनरी समझता है ना, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम वो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स को समझता है, तो हमारी जो हैंड राइटिंग जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर क्या करता है उसको ट्रांसलेट कराता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, और आगे कन्वर्ट करके इसको डिजिटल को सिस्टम को दे देता है। और इट इज़ इनहेंस फॉर्म ऑफ स्टाइलस, और ये स्टाइलस की इनहेंस फॉर्म है। लास्ट पे हम देखेंगे जी ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि स्टाइलस क्या कर रहा था, कैप्चर करा रहा था हैंड राइटिंग को, या लिख रहा था किसके ऊपर, टच स्क्रीन के ऊपर या एक पैड के ऊपर। ग्राफिक टैबलेट हमारा वही इलेक्ट्रॉनिक पैड है जो डिजिटल पेन भी यूज़ कर रहा है और स्टाइलस भी यूज़ कर रहा है, किस लिए, ताकि वो हैंड राइटिंग अगर टच स्क्रीन नहीं है तो एक अलहदा से इलेक्ट्रॉनिक पैड के ऊपर लिख सके। तो ग्राफिक टैबलेट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पैड है जो डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, किसकी मूवमेंट को, स्टाइलस की या डिजिटल पेन की। हम एक स्लेट टाइप हमारा एक डिवाइस होती है, पैड होता है, जिसके ऊपर हम अपने स्टाइलस के साथ या डिजिटल पेन के साथ जो भी लिखते हैं तो वो उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर। अटैच विथ सिस्टम्स विच डोंट हैव टच स्क्रीन और नॉट सपोर्टेड बाय स्टाइलस, ये ऐसे सिस्टम के साथ हम अटैच कर सकते हैं जिनके ऊपर टच स्क्रीन नहीं है या वो स्टाइलस या पेन को सपोर्ट नहीं करते, हम ऐसे सिस्टम के साथ ही टच करें। अच्छा, इसको यूज़ कौन कर रहा है, आर्किटेक्चर्स या जो डिज़ाइनर्स हैं, जो स्केचर्स होते हैं हमारे, जो कार्टून स्केच कर रहे होते हैं, ऐसे लोग जो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं कि अलहदा से एक पैड अटैच करके, इलेक्ट्रॉनिक पैड, उसके ऊपर स्टाइलस या डिजिटल पेन के साथ अपना लिखते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं और वो हमारे सिस्टम में कन्वर्ट होके चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इसी बात पे एंड करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।